खरगोन जिले में एक सप्ताह में पुलिस ने दूसरी बार अवैध हथियारों की तस्करी होने से पहले बड़ी खेप बरामद की है। सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए एसपी धर्मवीर सिंह ने ये पूरा मामला बताया। भिकनगांव पुलिस को अवैध हथियार खरीद फरोख्त रोकने में सफलता मिली है। हेला पड़ाव पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम तितरानिया के गोविंद सिकलीगर को 13 पिस्टल और हथियार निर्माण सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। जब्त सामग्री का मूल्य करीब 2,30,000 रुपए आका गया है। गोविंद उक्त हथियारों का जंगल में निर्माण कर बेचने की फिराक में था, जिसे एसडीओपी संजय चौहान के नेतृत्व में गठित टीम में चैनपुर थाना प्रभारी निर्मल श्रीवास, चौकी प्रभारी पूनम चंद पवार ने मुखबिर की सूचना पर योजनाबद्ध तरीके से तितरानिया के पास जंगल के रास्ते पर दबिश देकर गोविंद को पकड़ा। उसके कब्जे एवं निशानदेही पर 13 नग अवैध पिस्टल के साथ 2 अधबने कट्टे के साथ निर्माण सामग्री बरामद किए हैं। खरगोन ब्यूरो के साथ झिरनिया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। एसडीओपी भिकनगांव, एएसपी आनंद और थाना प्रभारी झिरनिया, इनकी टीम ने एक बड़े ऑपरेशन में लीगल आर्म्स के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की है। इनको सूचना मिली थी कि झिरनिया थाना क्षेत्र में क्या नाम है इसका, झिरनिया चैनपुर थाना क्षेत्र में गोविंद सिकलीगर नाम का व्यक्ति है, जो रिसेंटली लूट के अपराध में जेल से छूटा है और जेल से छूटने के बाद से ही अपने खेत में एक अवैध फैक्ट्री बना के इस प्रकार से इलीगल हथियारों का निर्माण कर रहा है। इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रेड की गई और रेड करने के बाद जैसा आप देख रहे हैं कि काफ़ी इसमें औजार मिले हैं जिनके माध्यम से ये अवैध तरीके से देसी कट्टे और पिस्टल का निर्माण करते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में बने और अधबने करीब 15 अवैध हथियार जब्त हुए हैं। पहले भी इस प्रकार के इलीगल आर्म्स बनाने में इसकी भूमिका रही है। अभी इसको अरेस्ट किया गया है, इसको रिमांड पर लेके फर्दर इसको वर्कआउट करेंगे कि इसकी क्या कनेक्शंस हैं और ये हथियार बना के इसके द्वारा कहाँ सप्लाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।